देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। ये तो बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। 1,00,000 लोगों को देंगे प्रॉपर टीका। 6 राज्यों के 763 गाँव को मिलेगा लाभ। गाँवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। हाथरस मामले पर राहुल गांधी ने फिर सीएम योगी को घेरा। कहा कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासी को इंसान नहीं समझते। और ये काफी क्लियर है, ये गवर्नमेंट में ट्रेजेडी है। असम में श्रद्धालुओं के लिए आज से खोला कामाख्या मंदिर। श्रद्धालुओं को कुछ शर्तों का करना होगा पालन। रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। कहा एनपीए प्रक्रिया पर रोक हटाएं, इससे बैंकिंग सिस्टम को भारी नुकसान। यूपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा आज से होगी शुरू। एडमिट कार्ड हुए जारी। 2 शिफ्ट में परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। देश में कोरोना का कहर जारी। 70,00,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। सर्दी के दस्तक के बीच प्रदूषण से कोरोना का बढ़ने का खतरा। प्रदूषण से फेफड़ों पर पड़ेगा असर। झारखंड के गढ़वा में चलती हुई गाड़ी में लगी आग। कार सवारों ने कूद कर बचाई अपनी जान। मुरादाबाद में साइबर अपराध में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पीड़ित को बैंक खाते में गवाई गई 80,00,000 की रकम वापस दिलाई गई। तेलंगाना के मुलुगु में टीआरएस नेता की नक्सलियों ने की हत्या। 6 बंदूकधारी नक्सलियों ने मारी गोली। हरियाणा में कदम जमाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी। खट्टर सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लाभप्रद मूल्य देंगे। 40,000 इन्होंने लोगों से 40,000 कनेक्शन के बदले में पैसे जमा करा लिए, कनेक्शन जारी नहीं किए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी बोध गया में करेगी पहली चुनावी रैली। बेंगलुरु में जायके से हारा कोरोना। बिरयानी के लिए लगी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग, नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मैहर में चल रही भट्टियों से निकलने वाला जहरीला धुआं हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहा है। साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में नहीं है। सतना क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक में बिजली की समस्या को लेकर रामनगर सेवा युवक मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में होने वाले उपचुनाव 2020 के संबंध में विधानसभा क्रमांक 15 ग्वालियर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने और कोरोना महामारी को लेकर जागरूक करने के लिए बल और सशस्त्र द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जनता ने 15 साल और 15 माह दोनों कार्यकाल देखे, उसी पर निर्णय होगा। चीन के साथ अलेसी तनाव पर अमेरिका के विदेश मंत्री बोले, भारत को सहयोगी के रूप में यूएस का पूर्ण समर्थन। ट्रंप ने चीन के बढ़ते कदमों के प्रति भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों का आग्रह किया। पाक की नापाक करतूत। नदी के रास्ते आ रहा हथियारों का जखीरा बरामद। हथियार भेजकर आतंक फैलाने की कोशिश में था पाक। भारतीय सेना ने पाक की साजिश को किया विफल। आईपीएल 2020 में आज दिखेगा डबल धमाल। पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने और दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। नमस्कार, मैं हूँ सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज़। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।